आज हम यहां बैठने लायक हो गए। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम दो सत्रों में है। पहले सत्र का विषय है वर्तमान स्थिति मध्ये अपमानजनक जीवन जगणाऱ्या आपल्या मूळ निवासी बहुजन समाजाची ब्राह्मणी गुलामगिरीतून मुक्त करण्याची जबाबदारी, बहुजन महापुरुषांच्या संघर्षातून निर्माण झालेल्या बुद्धिजीवी वर्गाची आहे एक चर्चा। ये पहिले सत्र का विषय है। दूसरे सत्र का जो विषय है उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणाच्या खाजगीकरणामुळे, दॅट इज लिबरलायझेशन, ग्लोबलायझेशन अँड प्रायव्हेटलायझेशन, याच्यामुळे मूळ निवासी बहुजन समाजाला नेतृत्वहीन करणाऱ्या ब्राह्मणी षडयंत्राला विफल करण्यासाठी बुद्धिजीवी वर्गाला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलनात सहभागी होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही। ये दो सब्जेक्ट है, दो सत्रों में रखे गए हैं। दोस्तों, ब्रिटिश भारत में हमारी जो समस्या थी वो एजुकेशन की समस्या थी। दोस्तों, केवल एजुकेशन यही मात्र एक हथियार है। इस हथियार से हमको गुलाम, हजारों साल गुलाम बनाया गया। एजुकेशन का जो महत्व है, हमारे महापुरुषों ने जो हमको एजुकेशन दिया, इसके पीछे हमारे महापुरुषों का एक स्पेसिफिक मकसद था। उनको मालूम था आज नहीं तो कल इस देश से ब्रिटिश चले जाने वाले हैं। जब इस देश से ब्रिटिश चले जाएंगे तब हमारा समाज का, हमारे समाज के ऊपर जो धार्मिक, राजकीय और सामाजिक गुलामी थोपी हुई थी, इस गुलामी को कैसे खत्म किया जाए, ये समस्या थी। सिर्फ गुलामी को कैसे खत्म किया जाए यही समस्या नहीं थी, तो अल्टरनेटिव व्यवस्था जो है वो व्यवस्था कैसी प्रस्थापित करने की, ये महापुरुषों के सामने समस्या थी। वही समस्या को सामने रखकर हमारे महापुरुषों ने शिक्षा का प्रबंध किया, इसके लिए बहुत सारा संघर्ष किया, ये सब आप लोगों को मालूम है। जी गुलामी की व्यवस्था थी, जी गैर बराबरी की व्यवस्था थी, जी अन्याय की व्यवस्था थी, इस अन्याय की, गैर बराबरी की व्यवस्था को स्वतंत्र, समता, बंधुभाव, समान न्याय पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करना, यही काम सिर्फ बुद्धिजीवी वर्ग ही कर सकता। लोकशाही प्रस्थापित करना एक संगठनात्मक काम, एक ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है। इसके लिए महापुरुषों ने हमारे शिक्षण का प्रबंध किया और इस शिक्षण के माध्यम से हम डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वकील हो गए और प्राध्यापक हो गए। लेकिन आज जब हम फील्ड वर्क में, समाज में जाते हैं, तो इन लोगों का जब हम चरित्र देखते हैं, महापुरुषों का जो चरित्र है दोस्तों, महापुरुषों का जो चरित्र है ये समाज विरोधी चरित्र है। सिर्फ समाज विरोधी चरित्र नहीं है, महापुरुषों के विरुद्ध चरित्र है। इतना सारा गड़बड़ी क्यों हुआ? एजुकेशन की वजह से हुआ। स्वतंत्रता के बाद हमको तो एजुकेशन दिया, वो एजुकेशन का ब्राह्मणाइजेशन करके एजुकेशन किया, इसका एक परिणाम हो गया। दोस्तों, ये जो फोरम है, ये फोरम के माध्यम से हम ऑर्गेनाइजेशन के तहत इस समाज में, जो समाज की गैर राजकीय साधने हैं, इसमें बुद्धि है, समय है, पैसा है, हुनर है, टैलेंट है, ये गैर राजकीय हथियार है हमारे समाज के अंदर।
इस फोरम के माध्यम से इस बुद्धिजीवी वर्ग को हम जागरूक करके समाज में इनका नेतृत्व प्रस्थापित करते हैं, करना चाहते हैं। जब आज हम देखते हैं हमारे समाज में समाज का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो समाज का नेतृत्व नहीं करते, ये स्पॉन्सर्ड लीडरशिप है। हमारे दुश्मनों ने पूना पैक्ट के माध्यम से हमारे ऊपर स्पॉन्सर्ड लीडरशिप थोपी गई है, इसलिए हमारी समस्या कम होने के बजाय हमारी समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एकमात्र कारण है मित्रों, समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है एक साथ बैठना चाहिए, उनका एक विचार होना चाहिए, उनमें समझ निर्माण होनी चाहिए, उनके अंदर समाज की व्यवस्था की समझ निर्माण होनी चाहिए। जब इनके अंदर समझ निर्माण हो जाएगी तो भारत में एक क्रांति हो जाएगी, हम गुलामी से आजाद हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे सामने जो समस्या है ब्राह्मणिकल सिस्टम की समस्या है, लोकतंत्र में अगर आज हम देखते हैं ये जो ब्राह्मणिकल सिस्टम एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आती है, अगर वो एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आती है तो उसका मुकाबला कोई एक आदमी एक जात नहीं कर सकती। इसका मुकाबला करने के लिए हमको ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही करना होगा। इसलिए आज का जो सब्जेक्ट है मित्रों, दोस्तों, हम सब जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इस बुद्धिजीवी वर्ग ने समाज के लिए अपना समय, अपना बुद्धि, अपना टैलेंट, हुनर, अपना पैसा समाज के लिए खर्च करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्च करना चाहिए। अगर हम रिजल्ट चाहते हैं तो बस एक ही शब्द में मैं बोल देता हूं आपको कि आपको सबको ऑर्गेनाइजेशन के सामने सुरेंडर करके काम करना चाहिए। ये हाउ टू सुरेंडर बिफोर ऑर्गेनाइजेशन, यही एकमात्र विकल्प है सक्सेस होने का। ये हाउ टू सुरेंडर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसके लिए ये प्रोग्राम रखा है। दोस्तों, इसी के साथ मेरे को जो प्रस्तावना करने का मौका मिला इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जय मुनिवासी। थैंक यू।